मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर, मोबाइल नंबर 91-40-47-21-04, 93-365-24-24-4, 99-41-47-21-04। आज हम लोग नक्सोन का बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रीडर्स मैस के किताब का रूपांतरण मतलब अनुवाद डिस्कशन। नक्सोन का रोगियों का स्वभाव जरा जरा सी बातों में बिगड़ जाता है, साथ ही वे सावधान रहते हैं और लोगों से जलन अनुभव करते हैं। वे विद्रोही प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का रोजगार या तो मानसिक कार्यों वाला होता है और या फिर बैठे रहने का। जितने भी बाबू हैं लीडर्स बैठ के काम करने वाले, टीचर्स, वैज्ञानिक, सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जरा से शोर शराबे से भी भयभीत हो जाते हैं और उपयुक्त दवा की एक खुराक भी नहीं ले पाती। किसी भी प्रकार की गंध से बेहोश हो जाती हैं तथा जरा से स्पर्श मात्र से अकड़न व ऐठन अनुभव करने लगती। तेज बुखार के साथ साथ सर्दी भी लगती। बदन पर से कपड़ा हटते ही सर्दी अनुभव करने लगते हैं तथा चेहरा लाल हो जाता है। बहुत सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिवनेस, नशे या नींद की गोलियों, अन्य दूसरी पेटेंट दवाओं, ताकत की दवा तथा व्यभिचार के आदि हो चुके लोगों के लिए भूमिका लाभकारी रहती। ऐसे व्यक्तियों को शौच जाने की इच्छा तो रहती है पर पखाना नहीं होता, और यदि होता भी है तो कम मात्रा में। शौच हो जाने पर उन्हें राहत अनुभव होती। बार बार लैट्रिन जाने की तबीयत होती, बार बार इच्छा होती। मैं रोग बढ़ने, कम होने, दिमागी कार्यों, शरीर न ढकने, भोजन के बाद ठंडी दवा, सूखे मौसम नशा करने पर तथा प्रातः 9 बजने के बाद लक्षणों में तेजी आती है। गर्म कमरे तथा शौच हो जाने के तथा चादर आदि से शरीर ढक देने पर लक्षणों में कमी होती है। ऐठन नाममात्र की हो या अत्यंत तीव्र साथी संवेदनशीलता भी तीव्र हो, नसों की कमजोरी तथा सिर सर्दी लगे तो यह दवा देनी चाहिए। ऐठन नाममात्र की हो या अत्यंत तीव्र
साथ ही संवेदनशीलता भी तीव्र, नसों की कमजोरी। ठीक होगा आवाज़ सही होगा बंद करिए तो।